दोस्तों, क्या रुबीना दिलैक बन सकती है खतरों की खिलाड़ी सीजन 12 की विनर, या फिर रुबीना दिलैक ही है खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 की विनर? जी हाँ, ऐसे होने की तीन वजह है। वेल दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल टीवी धमाका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। वेल दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि खतरों के खिलाड़ी में एक से बढ़कर और खतरनाक स्टंट होते हैं, और जब कंटेस्टेंट्स इस खतरनाक स्टंट को देखते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है, और जब वो ऐसे खतरनाक स्टंट को कम्प्लीट कर लेते हैं जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जिससे वो आने वाले हर स्टंट के लिए रेडी रहते हैं। वैसे फिलहाल तो रुबीना दिलैक ही सबसे मजबूत प्लेयर मानी जा रही हैं, जिस वजह से रुबीना दिलैक के फैंस ने हर तरफ तहलका मचाया हुआ है। रुबीना दिलैक को अपने फैंस का प्यार और साथ दोनों ही मिल रहा है, फिर चाहे रुबीना दिलैक एलिमिनेट ही क्यों ना हो जाए, उनके फैंस उनके साथ हैं। सोशल मीडिया पर रुबीना दिलैक के लिए माहौल सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। तो अब बात करते हैं उन तीन वजहों के बारे में। पहली वजह ये है, रुबीना दिलैक जैसे ही इंडिया पहुंची है, अभिनव शुक्ला उन्हें गले लगाकर उनका हाथ ऊपर की ओर खड़ा कर देते हैं, जैसे मानो विनर का ऐलान हो रहा हो, और ऐसा करते वक्त रुबीना चुप होने का इशारा भी देती हैं। दूसरी वजह ये है कि अनिरी बजानी हाल ही में इंडिया आई थी, तब इंटरव्यू के दौरान उन्होंने रुबीना दिलैक के बारे में कुछ ऐसी बातें कह दी। अब इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि रुबीना दिलैक शो को जीतने के लिए 99% दावेदार है। और तीसरी वजह ये है कि रुबीना दिलैक को जनता जीतते हुए देखना चाहती है। हर तरफ यही बात हो रही है कि रुबीना दिलैक 90% शो की विनर है, और बाकी 10% की जो कमी रह गई है वो मोहित मलिक का टफ कॉम्पिटिशन है। तो आपको क्या लगता है, ये तीन वजह जानकर की रुबीना दिलैक ही जीतेगी, या आप किसी और को जीतते हुए देखना चाहते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।